पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर एजेंसी को, मनीष के साथ दिखाइए मुझे फ्रेम में, खबर यह है पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर एजेंसी को दिया निर्देश। मनीष के साथ प्लीज। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका अपना न्यूक्लियर हथियार दिखाएगा तो हम भी अपना न्यूक्लियर हथियार दिखाएंगे। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह देखते हुए कि अब हम वापस चले गए हैं उस कोल्ड वॉर में जो मिखाइल गर्बाचेव ने खत्म किया था, जो जॉर्ज बुश सीनियर ने खत्म किया था। बिल्कुल, देखिए 20वीं शताब्दी में शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन 21वीं शताब्दी में जब हम शांति की उम्मीद कर रहे थे तब वाकई में परमाणु युद्ध का खतरा दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बनकर उभर आया है। जरा सोचिए, रूसी संसद में बोलते हुए रूस के राष्ट्रपति परमाणु हथियार के परीक्षण, उसके इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। ये बात करना ही अपने आप में पूरी दुनिया के लिए सिहरा देने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि अब ये जंग कितनी बड़ी हो गई है। बाइडेन कल कीव पहुंचे और आज पुतिन ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल और उसके परीक्षण की बात कही है अपने डिफेंस। आप जो बता रहे, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ जनरल सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, वेरी शार्प रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी बिग सर। एब्सोल्युटली, देखिए निशांत जी, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से न्यूक्लियर की बात हो रही है, चाहे ईरान की बात देख लीजिए, ईरान न्यूक्लियर अब खुल करके आ गया है। जो आपका नॉर्थ कोरिया है वो खुल करके दिखा रहा है न्यूक्लियर। जो चाइना है अपने जखीरे को बढ़ा रहा है, और रशिया तो है ही है सबसे बड़ा जखीरा, वो कम नहीं होने देगा। तो जो न्यूक्लियर जो बैलेंसिंग है, वो जिसको अमेरिका चाहता था कि अधिपस्त रखे, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जो अमेरिका करेगा हम उसका जवाब अपने तरीके से देंगे। अमेरिका चाहता है कि सर, ये बाइडेन को सीधा सीधा उनका जवाब है, दिस इज रियली अलार्मिंग। मनीष, वेल डन, बी विद मी मनीष, मैं आपके पास वापस आता रहूंगा।